Assalamu alaikum, grade 4. I'm your science teacher, Sabah, and today we're discussing chapter number 1, the human body. Aaj hum detail mein baat karenge about the entire chapter kyunki hum uski review exercise cover karenge. So let's move ahead. The human body was a very, very interesting topic about the different organs inside our body. उसने हमने बात की कि हमारा ब्रेन क्या करता है, हार्ट क्या करता है, लंग्स क्या करते हैं, क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और किस तरह से करते हैं. इतना फैसिनेटिंग था, आपने इतनी सारी नई चीज़ें सीखी, आपने सब ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस को समझा. सो टुडे यू विल ब्रिंग ऑल ऑफ दैट नॉलेज इनटू प्ले और हम क्या करेंगे, हम करेंगे आपके रिव्यू क्वेश्चंस को आंसर मिलकर. नाउ अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन आइडिया एंड देन आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑन योर ओन. खुद से कोशिश करें, अपने अंदाज में इनके जवाब को लिखें. तो आए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट डू द फॉलोइंग ऑर्गन्स डू. द क्वेश्चन सेज कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स के नाम लिखे हुए हैं, आप बताएं कि ये कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. वी आर स्टार्टिंग विद द ब्रेन. ब्रेन जो है ऑब्वियसली हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है और ये क्या काम करता है. द ब्रेन कंट्रोल्स द स्पीच. स्पीच आपके बोलने की सलाहियत. थॉट आपका जो सोचने का पूरा प्रोसेस है. बैलेंस ये जो आप एक तरह से अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, अपने आर्म को बैलेंस कर पाते हैं, जो आप अपना बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं. मूवमेंट हिलना जुलना, हर मूवमेंट हमारे चलने से लेकर हमारे उंगली लिफ्ट करने तक, ये सारी मूवमेंट. सेंसेस डिफरेंट सेंसेस, टच की सेंस होती है, फील की सेंस होती है, साइट की सेंस होती है, हेयरिंग की सेंस होती है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. योर इमोशंस आपके जो जज्बात होते हैं, खुशी गुस्सा गम, ये सब कुछ आपका ब्रेन कंट्रोल करता है. ड्रीम्स आप जो ख्वाब देखते हो इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग. एंड ऑल अदर बॉडीली फंक्शंस, तो तमाम जो आपकी बॉडी के फंक्शंस हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है. ब्रेन. सो व्हेन समबडी आस्क यू कि ब्रेन जो है वो क्या करते हैं, आप उसको इतनी लंबी लिस्ट ऑफ टास्क दे सकते हो जो आपका ब्रेन जो है वो परफॉर्म करता है. बिकॉज योर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीटी मच एवरीथिंग दैट गोज ऑन योर बॉडी. तो आपकी बॉडी में जो कुछ हो रहा है वो बेशक असल में एक उसकी फिजिकल मूवमेंट है या नहीं है, वो सब कुछ ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. जज्बात से लेके आपकी फिजिकल मूवमेंट तक हर चीज ब्रेन कंट्रोल करता है. तो आप इसको काफी डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप डिफरेंट पार्ट्स भी बता सकते हो कि ब्रेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं जो ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ जस्ट बता दिया कि ब्रेन जो है वो बेसिकली करता क्या है, वो इन सब फंक्शंस को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट वी हैव हार्ट. अब बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि हार्ट जो है वो क्या करता है, उस ऑर्गन का क्या फंक्शन है. द हार्ट पंप्स ब्लड ऑल थ्रू द बॉडी सो दैट ऑक्सीजन रीचेस एवरीवेयर. अभी आगे जाके आप देखोगे कि ये सेंटेंस कंप्लीट होते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो रीचेस एवरीवेयर इन द बॉडी. तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या है. हार्ट का मेन फंक्शन यही है कि वो ब्लड जो है पूरी बॉडी में पंप करता है, पहुंचाता है. और ब्लड के जरिए असल में वो क्या पहुंचा रहे, ऑक्सीजन पहुंचा रहे, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है. जो हमारी बॉडी में हर जगह हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी के लिए, डिफरेंट प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए. सो व्हाट आर वी सेइंग, वी आर सेइंग कि हार्ट का क्या फंक्शन हो गया. हार्ट का फंक्शन हो गया टू पंप ब्लड. अगेन आप इसमें भी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, वो किस तरह से करता है. राइट एट्रियम में ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ऑल ऑफ दैट इन दैट मैनर. आप इस तरह से भी अपना पूरा का पूरा आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हो. यहाँ पर बेसिक जो टास्क है हार्ट का वो हमने नोट डाउन कर लिए हैं. आए अब हम आगे चलते हैं. सो एज वी डिस्कस्ड, हार्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्लड हर जगह पंप कर रहे ताकि ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी में हर जगह पहुंच सके. अब हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, व्हाट डू द लंग्स डू. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन कि लंग्स का क्या काम होता है. अगेन इट्स वेरी सिंपल. लंग्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या लेके आती हैं, ऑक्सीजन. हम सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर बेसिकली ऑक्सीजन आता है जो फिर हमारी सारी बॉडी में जाता है ब्लड में मिक्स होके. और लंग्स का एक दूसरा काम क्या होता है, आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. तो ऑक्सीजन क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, हम उसको अंदर लेते हैं लंग्स के थ्रू. और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी खुद बनाती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जो अंदर हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्रिएट होती है वो लंग्स बाहर निकाल देती हैं. क्यों बाहर निकाल देती हैं, बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट गुड फॉर अस. वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो हमें चाहिए कि हम उससे बिल्कुल बहुत जल्दी निजात हासिल करें. और उसमें हमें कौन हेल्प करता है, उसमें हमारी लंग्स जो हैं वो उसको रिमूव करती जाती हैं साथ साथ, ताकि वो इकट्ठी ना हो जाए, एक्युमुलेट ना हो जाए हमारी बॉडी में और हमें नुकसान ना पहुंचा सके. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज ड्रॉ डायग्राम्स टू शो हाउ योर आर्म मसल्स वर्क. यहाँ पर आपने डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं. डायग्राम्स ड्रॉ करने में मैंने टाइम इसलिए स्पेंड नहीं किया क्योंकि आई कैन जस्ट शो यू एन इमेज ऑफ हाउ टू डू दैट. लेकिन आपने याद रखना है कि आपने बताना है दो डायग्राम्स ड्रॉ करनी है. पहली में आपने बताना है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो अगर आप आर्म के मसल की एग्जाम्पल हो, जो कि आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, तो क्या होता है कि अगर आप अपने आर्म के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, यानी यू ब्रिंग इट हेयर, तो यहाँ पर आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. आप उसको ड्रॉ हुए देख सकते हो कि एक बम्प सा क्रिएट हो जाता है. ऊपर आप इमेज में भी देखें कि कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, इट इज मूविंग इनवर्ड्स एंड द मसल इज इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. नाउ नेक्स्ट वी आर सेइंग व्हेन दे एक्सपैंड.
अब हम कह रहे हैं कि जब वो एक्सपैंड करते हैं तब क्या होता है, तब अगर आप अपने आर्म को रिलैक्स पोजीशन में रखो तो ये मसल जो है ये एक्सपैंड कर रहा होता है, राइट। कि आपकी बुक में भी डायग्राम है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन आप ऊपर वाली इमेज देख के एक्सपैंड वाला डायग्राम जो है वो भी ड्रॉ कर सकते हो। सो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन ड्रॉ दैट डाउन इफ यू नीड टू डू दैट, वरना आपकी बुक में एक बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ हुआ है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपने कॉन्ट्रैक्टेड का भी और फिर एक्सपैंडेड का भी दोनों के डायग्राम ड्रॉ करने हैं फॉर दिस क्वेश्चन। नॉट दैट हार्ड, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स एंड लेबल देम। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रोल डू द इंटेस्टाइन्स प्ले इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इंटेस्टाइन्स कौन से हैं हमारे, दो हैं, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इफ़ यू रिमेंबर वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट सिस्टम्स आल्सो, कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें लंग्स होती हैं, आपका नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन के साथ अफिलिएटेड होता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इंटेस्टाइन जो हैं वो लिंक्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो करता क्या है, उसमें इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है। द इंटेस्टाइन्स डाइजेस्ट फूड दैट यू नीड एंड गेट रिड ऑफ द फूड दैट यू डू नॉट नीड। क्या करते हैं इंटेस्टाइन्स, बेसिकली जो खाना आपको चाहिए होता है वो इंटेस्टाइन्स में जाता है, वो इंटेस्टाइन्स जो है उनसे न्यूट्रिएंट्स और जो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो उस खाने से लेकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर देती हैं, आपके खून में शामिल कर देती हैं, और जो नहीं चाहिए होता वो वेस्ट प्रोडक्ट वो आपकी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। ऐसा वो कैसे करती हैं, आए आगे चलते हैं देखते हैं। सो वट वी टॉकिंग अबाउट इसके जो इंटेस्टाइन्स हैं वो क्या करी, वो आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रही हैं, देर गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट मटीरियल द वेस्ट फूड एंड एट द सेम टाइम वो आपके फूड को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट भी कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों मिलकर ये फंक्शन जो है उसको कम्प्लीट कर रहे हैं। दे रिसीव फूड फ्रॉम द स्टमक एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द एनस। तो होता क्या है कि उनके अंदर खाना आता कहाँ से, आता है आपकी स्टमक से। तो स्टमक में खाना गया वहाँ से इंटेस्टाइन्स में गया, जहाँ पर ज़रूरत का खाना जो है वो उससे आपने डिराइव कर लिया, आपकी बॉडी में आ गया, और जो वेस्ट है वो कहाँ से बाहर जा रहा है, जो आपका एनस होता है बॉडी पार्ट, वहाँ से वो बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। इस तरह जो इंटेस्टाइन्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले कर रही हैं, वो आपकी ज़रूरत के फूड को आपके गैर ज़रूरी फूड से सेपरेट कर रही हैं, ज़रूरत के फूड को आपकी बॉडी में रहने दे रही हैं और गैर ज़रूरी फूड को आपके वेस्ट मटीरियल बनाकर बाहर निकाल रही हैं। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the organs that control the activity of lung, heart, intestines and muscles. This question is easy because इसमें वो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं एक नाम कि वो organ का क्या नाम है जो इन सारे के सारे different organs को control करता है, उनको manage करता है। तो क्या ये मुश्किल है? Not one bit. Why? क्योंकि हम इतनी दफ़ा discuss कर चुके हैं कि एक organ है जो इन सबको control करता है, और वो कौन सा organ होता है? वो होता है आपका brain. So again, that's what you have to write down. The organ that controls the activity for all these organs is the brain. यहाँ पर आपने सिर्फ यही एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली इन सब ऑर्गन्स को कंट्रोल और मैनेज करने के पीछे ब्रेन का हाथ होता है, दैट इज द मेन ऑर्गन ऑपरेटिंग ऑल अदर ऑर्गन्स। नाउ दैट वी डन विद दैट, वी प्रीटी मच डन विद योर एक्सरसाइज। आपके रिव्यू क्वेश्चंस थे वो 4 ही थे और वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करें, अब हम करें कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज थी आपके बुक में चैप्टर्स की अलग अलग पॉइंट्स पे, जिनको हमने उस वक्त स्किप कर दिया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम उनको एक दफ़ा फिर से रीविजिट करें, ताकि क्या हो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिफ्रेश हो जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बस रिव्यू क्वेश्चंस हुए तो एक्सरसाइज और चैप्टर खत्म हो गया। नो, यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू लर्न। तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जो आप ही की बुक में है, एक्टिविटी है पेज नंबर 7 पे, आए पढ़ते हैं। अब आपको उन्होंने क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, क्रॉसवर्ड पजल में आपने बेसिकली जो नंबर जैसे 4 है अगर अक्रॉस के लिए, तो आपने 4 में अक्रॉस में लिखना है कि ये वाला वर्ड आ रहा है, तो आप ब्लैंक को फिल करोगे और जो वर्ड वहाँ पर आ रहा होगा वो अपने क्रॉसवर्ड पजल में भी आप लिख दोगे। सिमिलरली फिर मैंने आपको बताया हुआ कि 6 वाले क्रॉसवर्ड पजल पे क्या आना है एंड सो ऑन। तो 4th का है, द राइट एट्रियम इज द चेम्बर ऑफ द टॉप राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो क्या है, एक चेम्बर है जो हार्ट की टॉप राइट साइड पे, तो वो कौन से, वो एट्रियम है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, जो टॉप राइट साइड पे होता है वो आपका एट्रियम होता है, जो टॉप लेफ्ट साइड पे होता है वो आपका लेफ्ट एट्रियम होता है। सो इन दैट मैनर यू नो कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, आपके हार्ट के कौन से चेम्बर्स कहाँ पर हैं। 6 है, ब्लड विद डैश इज सेंट अराउंड द बॉडी। तो वो कह रहे हैं कि अब ब्लड जिसके अंदर डैश होता है पूरी बॉडी के गिर्द वो जाता है, वो कौन सा ब्लड होता है, दैट इज ब्लड विद ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन होता है वो पूरी बॉडी के गिर जाते हैं, और जिस ऑक्सीजन नहीं होता वो कहाँ जाते हैं, वो सिर्फ आपके लंग्स में जाता है। आई लेट्स मूव फर्दर, सो वी आर नॉट डन विद द क्रॉसवर्ड पजल थिंग येट, अभी 4 और रहते हैं, तो हम पढ़ते हैं। द लेफ्ट डैश इज द चेम्बर इन द बॉटम लेफ्ट साइड। तो अब वो पूछ रहे हैं कि टॉप राइट साइड का तो आपने बता दिया, बॉटम लेफ्ट साइड पे क्या होता है, तो बॉटम लेफ्ट साइड पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। योर हार्ट डैश अबाउट 37 टाइम्स इन ईयर। आपका दिल जो है एक साल में कितनी दफ़ा डैश करता है, क्या करता है, वो बीट करता है, इट बीट्स 37 टाइम्स इन ईयर।
ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज सेंट टू द डैश. कहाँ जाता है? जिस खून में ऑक्सीजन नहीं होता, अभी पीछे मैंने बोला था, वो कहाँ जाते हैं? वो आपके लंग्स में जाते हैं. और जिसमें ऑक्सीजन होता है वो फिर आपकी पूरी बॉडी में जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है ना, बगैर ऑक्सीजन के ब्लड की तो जरूरत नहीं है. तो इसलिए जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है वो लंग्स में जाएगा, फिर उसमें ऑक्सीजन डलेगा, वो वापस हार्ट में आएगा, और फिर हार्ट से वो पूरी बॉडी में जाएगा. लास्ट है, द हार्ट जॉब इज टू पंप डैश अराउंड द बॉडी, नॉट हार्ड एट ऑल. वो पूछ रहे हैं कि हार्ट की बेसिक जॉब क्या है, क्या करना होता है उसमें, पंप क्या करना होता है, ब्लड को पंप करना होता है ऑल अराउंड द बॉडी. एंड दैट्स सिंपली व्हाट यू हैव टू राइट ओवर हियर, एंड देन यू हैव टू सॉल्व योर क्रॉसवर्ड पजल इन नंबर्स यूज करते हुए कि 5 में ये वर्ड आएगा, 3 में लंग्स आएगा, एंड सो ऑन. So try doing that activity. It's fun and it's easy. Now another activity on page number 9 is over there. So आप उसको देखें, वो पढ़ते हैं. Breathe in and out to feel diaphragm contraction. इसमें basically वो बता रहे हैं कि आपका एक body part होता है एक diaphragm. Diaphragm basically आपके lungs को separate करता है आपके abdomen से, और उसका काम ये होता है कि वो air को अंदर आने में और बाहर जाने में help करता है. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने हाथ को अपने chest पे, अपने upper abdomen पे place करोगे और सांस अंदर खींचोगे, तो आपको feel होगा अपना diaphragm muscle contract होता हुआ. वो छोटा हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा, और क्या होगा, बेसिकली जगह बनाएगा एयर के अंदर आने के लिए, स्टमक को थोड़ा साइड पे करके, ताकि आपकी एयर जो है वो आराम से अंदर की तरफ आ सके. सो दैट इज डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन. एक्टिविटी पेज नंबर 11, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. हम एक छोटी सी और एक्टिविटी डिस्कस करें, उसके बाद विल जस्ट वाइंड इट अप. तो वो क्या है, फील द मसल्स मूविंग एज यू स्माइल. क्योंकि ये मसल्स के बारे में था ये वाला सब यूनिट, तो वहां पे वो कह रहे हैं कि इफ यू जस्ट प्रैक्टिस स्माइलिंग, आप जब स्माइल करते हो आप देखो कि आपके लिप्स के मसल्स, इर्द गिर्द मसल्स मूव करते हैं, आपकी पूरी बॉडी जो आपको पूरा माउथ वाला एरिया है, इट हैज मूवमेंट इन इट. यू कैन फील द मसल्स रिलैक्सिंग एंड कंट्रैक्टिंग टू कॉज दिस मूवमेंट. तो वो कह रहे हैं कि आप कोशिश करो विदाउट यू नो मूविंग एनीथिंग, आप स्माइल करने की कोशिश करो अपने मसल्स को एक जगह पर रख के. आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो आपके मसल्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन एवरी मूवमेंट दैट यू मेक. तो इस एक्सरसाइज का पॉइंट, इस एक्टिविटी का पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप देखो कि आपके मसल्स के बगैर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. सो वी डन विद द रिव्यू क्वेश्चंस. हमने छोटी छोटी एक्टिविटीज भी डिस्कस कर ली जो आपके चैप्टर में दी हुई थी, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि इस चैप्टर में क्या बात हो रही है, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन विद चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.